हेलो एवरीवन, सुबह का टाइम हो रहा है 9 और अभी हम रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं आज बनबसा। हमारे साथ जा रही हैं नानी, मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी जी। बाकी और लोग भी हैं पर हमारी गाड़ी में बस कम जगह है तो वो लोग बसते हैं। हम लोग अभी गाड़ी से जा रहे हैं तो आज हम मौसी के घर को अलविदा कहते हैं, बाद में आएंगे। ये मम्मी जाने के लिए रेडी हैं। ये मौसी जी बिल्कुल डाकू की तरह बन गई हैं। ये है सिया। मौसी हम जा रहे हैं आपके घर को पूरा गंदा करके। बाय बाय बाय, मिलते हैं बाद में। कब मिलेंगे आपको बताऊं? ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, आप मम्मी से मिल लेना। ठीक है, हमारी गाड़ी पूरी फुली पैक्ड है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मौसी, ये देखो। और आगे बैठी है नानी जी। नानी जानू पे अब जानू जानू भी अब तुमसे तो झट्ट हो रहा है, भैंस और उमरे उनो। बाय मौसी। मौसी सॉरी, हमने आपका घर पूरा गंदा कर दिया। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया हमें इतने अच्छे से। देख लो ब्लॉग आ गया, देख लो। हाँ ब्लॉग, शादी का ब्लॉग आ गया, देख लेना टीवी में लगा के, शेयर भी करना। बैठ गए हैं ऐसे कोची काची के शिमला। पहुंच चुके हैं खटीमा बाजार, खटीमा चौक पे। यहाँ से उधर गाड़ी जाती है, मशहूर खटीमा गोलीकांड चौक। क्या हुआ? हम गए उधर एक दिन, सबका काम कर क्या मसालो? मेरी नानी उनमें हो जो उत्तराखंड आंदोलन में काम करने है, मेरी नानी ले हो। आपको गोलीकांड गोलीकांड ये ईशा चौरा में भाई हो, खटीमा चौरा। तुम लोग आ रहे थे उस दिन? हाँ, पूरी पुलिस झूली पूरी गाँव घेरा लगा दिए। 300-400 लोग बोला उस दिन? और ना बहुत होना, 3-4 हजार होगा। नाना ले आ रहे थे? नाना बेहा हम बेहा पूरा पूरा घेरा बंद हो वाला, डर हम भर ही नहीं सकने थे, बंद कर दिन न कर। थोड़ा आगे को बढ़े थे, यहाँ पे पुलिस वाले ने सबकी गाड़ी रोक ली है। रीजन क्या है नहीं पता, क्यों रोकी गई है। नानी जी के घर पे नाना जी इंतजार कर रहे हैं हमारा। हमारा क्या, नानी जी का कल से दूर है थे वो। मम्मी वहाँ गेट खोल रही है और अंदर है उनका डॉगी टॉमी। कैसे हो आप टॉमी? ये है टॉमी, पहले बहुत छोटा था यार जब पिछली बार आए थे हम, अब मोटा हो गया, ये पहले इतना पतला सा था। और ये है नानी जी के आम का पेड़, कहीं कहीं पे तो काफी बड़े हो गए आम, पर छोटे हैं यहाँ पे। देखो आपको दिख रहे होंगे। और यह है लीची का पेड़, नानी जी के लीची का पेड़। और वो भी है लीची का पेड़, यह है पपीते का पेड़। और यह है नानी जी का घर। नानी जी को यहाँ पे ड्रॉप करके नाना जी के साथ थोड़ी देर बैठ के हम जा रहे हैं बनवासा। बाय 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 नानी, बाद में मुला। तो हम निकल पड़े बनवासा की ओर। देखा है भूत? मैंने देखा है। कैसा था? मैंने देखा है, मैं बिछड़ी थी मामा के घर, अब सब लोग डराता था, भागते थे अंदर, कुछ कभी घुंघरू बजते थे, कभी रोना रोते रोते आते थे, रोड से रोते रोते घर तक पहुंच जाते, तो हम छुपते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, सबने बोला, मेरे मामा के बच्चों ने बोला तुझे तेरी नानी मिलने आएगी। अब मैंने तो नानी देखी नहीं थी, तो सच्चे में बीच में सोई थी मैं, नीचे सोते थे खड़े जैसे होते थे ना, खड़े खड़ों में बिछा के सोते थे, चार पैदे होती नहीं थी। तो जब मैं मेरी नींद खुली तो मेरे सिराने के अंदर घुटना था, एक उस घुटने में आंख थी सचमुच में। मैं ऐसे पहले मुंह खोला, ऊपर देखा, मैं काला बैठा था कुछ, मैंने ऐसे चादर उठाया ढक दिया चादर, मैंने तो कुछ आया दीदी को बगल में चिमटी काटू तो मतलब हाथ चले नहीं मेरे, मैंने सोचा चलो चादर ढक दू, ऐसे घुटना देखा मेरे, अपने घुटने में मेरा सिर रखा था और यहाँ पर भी आंख थी कोहनी पे, वो मुझे देख रहा है। फिर मुझे बड़े मुश्किल से हिम्मत करके बगल वाली दीदी को चिमटी काटी,
उसने बोला कहाँ है, मैंने बोला नानी आ गई, उसने बोला कहाँ है, मैंने बोला देख सिरानी में, उसने बोला कुछ नहीं दिख रहा, उसे नहीं दिखा ना, मुझे हकीकत दिखा। लल्लू ने बहुत बड़ा बना दिया भाई, उन दिनों हकीकत बहुतों को पकड़ा था, हमारे खेत में भी एक दिन हमा बुबू को पकड़ लिया था भैंस बन के, भैंस थे वो, लेकिन जब हमारे बुबू में देवता आया ना, बुबू ने बोला आज मेरे देवता हरा गई, बोला तो खन 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 सारी भैंस भागी, बोला रेलवे की पत्थर ले, तो फिर बुबू आमा बच गए। पहले हकीकत होता था, अब नहीं है, बहुत कम। मम्मी ने रियल में भूत देखे हैं और महसूस भी किया है, तो उसकी कहानी बता रही हूँ। चुके हैं बनबस्ता वाले घर पे, ये हमारा बनबस्ता वाला घर जो कि हमने रेंट पे लिया हुआ है, वैसे हम देहरादून पे रहते हैं, मम्मी देहरादून पे रहते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं हमारी जो बड़ी सास है ताई जी उनके घर, ये बड़ी सास का घर, मेरी बुआ भी लगती है वो मायके के रिश्ते में, अभी हम जाएंगे अंदर। सो गाइस बनबस्ता में ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि काफी सारे लोग थे, और मेरा आज मैं 2 साल बाद दे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं व्लॉग नहीं बना पाई वहाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, मेरा मायका तो वो है खटीमा अमाओं में, और मेरा ससुराल है बनबसा। वैसे हम मम्मी लोग जो है, मेरी सास लोग वो रहते हैं देहरादून, पर जो पुराना वाला ससुराल है वो यहाँ, क्योंकि मेरे पापा लोग जो हैं वो 6 भाई हैं, मेरे जो ससुर जी हैं, तो बाकी लोग सब इधर रहते हैं, सभी लोग उधर रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी हमारे घर हम इधर आते रहते हैं, पर अभी हम जा रहे हैं मेरे मायके, क्योंकि आज मेरी मम्मी का है जन्मदिन, तो हम केक लेके जा रहे हैं, और पंकज लेके आए हैं बादाम शेक, बादाम शेक। कहेंगे मम्मी का बर्थडे, ये है मेरी मम्मी, हेलो बोल मम्मी, हेलो, और ये है नानू मेरी दीदी का बेटा, हाय, और ये है मेरी दीदी, और ये है मेरे जीजू, जीजू, और ये है मेरे पति। तो अब हम काटेंगे केक, ये है मैजिकल कैंडल, कोई बात नहीं। पंकज एकदम चलेगी क्या, मुझे नहीं बताया कैसे पंकज ने लिया ये, फोटो भी तो खींचो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन है, किसी को बुलाया नहीं, बस जितने भी हम लोग घर के लोग थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि आज मैं मौके से आ गई थी, आज ही मैं रुद्रपुर से आई थी, मैं इधर ही आ गई थी शाम को। तो केक कटिंग हो चुकी है, उसके बाद मम्मी को पहना रहे हैं हैप्पी बर्थडे वाली टोपी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बोल बोलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।